Good morning, student. Today we are going to start our degree of comparison. This belongs to your textbook, postbook syllabus. So today we are going to start degree of comparison. Okay, as you name the suggested degree of comparison, it means that we have to compare something. Okay, comparison मतलब क्या होता है, किसी चीज को तुलना करना. आप जब किसी भी चीज को तुलना करते हैं, compare करते हैं, at least आपको दो चीजों की जरूरत होती है. ठीक है, क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन? एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेस इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर वन नाउन विद अनदर. जब भी कोई एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन की जो क्वालिटी होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. तो कंपेयर करने के एटलीस्ट एक चीज से हम दूसरे चीज को कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, तो हमारे पास डिग्री ऑफ कंपैरिजन में थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है. पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड होता है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है. क्या होता है पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री में होता है विदाउट एनी कंपेयरिंग करना, हम उसको पॉजिटिव जो फॉर्म में दिया रहता है उसी फॉर्म को हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ बिग हाउस. यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉजिटिव क्या है? बिग है. उसका घर है, कैसा घर है? बिग हाउस है. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन ओनली. ओके, अब सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? द कंपैरेटिव डिग्री रिफर्स टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री. इसमें क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपेयर करना किससे? जी जो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शी हैज अ बिग हाउस, यहाँ पे ओनली सिंगल पर्सन है, कंपेयर नहीं हो रहा है, एक ही पर्सन. कैसा हाउस है उसका? बिग हाउस है. अभी हम कंपेयर करेंगे तो उसमें एक और पर्सन इंक्लूड होगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो डिग्री है वो चेंज हो जाएगी. इसमें कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट टू पीपल हमको चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, हर हाउस इज बिगर देन माई हाउस, हियर वी आर कंपेयरिंग अ पर्सन. जिसका उसका घर किससे है? उसके घर से बड़ा है. तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या रहेगा? कंपेरेटिव डिग्री क्या है? बिगर. बिगर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है. ओके, अब हम पढ़ेंगे थर्ड. थर्ड है सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? पहले हमने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ डिग्री, अब हम पढ़ते हैं थर्ड डिग्री. द सुपरलेटिव डिग्री रिफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इट इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स इन पीपल और प्लेसेस. यहाँ पे क्या करना है, हमने दो डिग्री पढ़ा, ये थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री में एटलीस्ट आपको दो पीपल चाहिए कंपेयर करने के लिए, और इसमें सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू पीपल्स हो सकते हैं. वहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में ये एग्जाम्पल है, हिज हाउस इज बिगेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि उसका घर क्या है? सभी घरों से बड़ा है. उसका घर कैसा है? सभी घरों से बड़ा है. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? बिगेस्ट लिखा है. ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि टू है थ्री है फोर है फाइव, लेकिन ये मोर देन टू है, वो हो सकता है थ्री भी हो फोर भी हो और इवन मोर देन दैट. ओके, तो ये हो गया हमारे थ्री डिग्रीज हमने पढ़ ली. अब इसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. पहला रूल नंबर वन है, वी एड ई आर एन ई एस टी टू मोस्ट वन और टू सिलेबल वर्ड दैट एंड इन कॉन्सोनेंट. जो वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है और सिलेबल वर्ड्स होते हैं, उसकी जगह हम क्या करना है, वो वर्ड को रिप्लेस करेंगे किससे? ई आर एड करेंगे कंपेरेटिव डिग्री में, और कंपेरिजन और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी आर. जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे डल डलर डलेस्ट. क्या है? डल डलर डलेस्ट. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है? ई आर एड किया है और ई एस टी एड किया है. और सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल बोलता है व्हेन द पॉजिटिव एंड्स विद कॉन्सोनेंट वाई. जब पॉजिटिव के एंड में वाई आएगा, क्या आएगा? एंडिंग विद वाई आएगा, तो वाई को हम ड्रॉप करके क्या लगाएंगे? ड्रॉप करके आई ई आर और पॉजिटिव और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाएंगे. जैसे हमारा क्या है, ये लकी है, एल यू सी के वाई लकी. तो हमने इसमें वाई को ड्रॉप करके क्या लगाया है? एल यू सी के आई ई आर लकीयर, और ये हो जाएगा लकीस्ट. तो ये हमारा हो गया है सेकेंड रूल. ओके, अभी हम पढ़ेंगे थर्ड रूल के बारे में.
Now we have studied the two rules. The and now we will study the third rule. Third rule क्या बोलता है? When the positive end with e and with e, we add only r and est to the adjective. जब कोई भी adjective जो है किसे end करेगा? E से end कर रहा है, तो हमको simply इसमें क्या add करना है? R और est. जैसे यहाँ पे example मैंने लिखा है large, large, larger, largest. क्या ऐड करना है हमको? सिर्फ आर और ई एस टी ऐड करना। कंपैरेटिव डिग्री में हम आर ऐड करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में एस टी ऐड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 4, व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल दैट एंड्स इन वोवल कंसोनेंट, वी डबल द एंडिंग कंसोनेंट एंड देन वी ऐड ई आर इन ई एस टी। अब क्या बोल रहा है इसमें? जब एग्जेक्टिव जो वर्ड है उसमें अगर सेम सिलेबल आता है, सेम सिलेबल ऑफ एनी वोवल, उसके पहले अगर कोई वोवल, जैसे आर ई डी रेड क्या है, ई क्या है हमारा वोवल, ये सिलेबल वर्ड है, ई क्या है वोवल है, तो क्या करना है हमको? जो उसके बाद का जो वर्ड कॉन्सोनेंट है उसको जस्ट डबल करना है और ई आर और ई एस टी ऐड करना है। जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट, हमने क्या ऐड किया यहाँ पे? रेड का रेड, रेडर, रेडेस्ट, यहाँ पे हमने दो चीजें ऐड की है, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल रिपीट किया है और ई आर ऐड किया गया है और इसमें कॉन्सोनेंट को डबल करके ई एस टी हमने ऐड किया है। ओके, अब हमारा जो फिफ्थ रूल है वो क्या बोलता है? फिफ्थ रूल बोलता है व्हेन द पॉजिटिव इज लॉन्ग दैट इज अ वर्ड ऑफ टू और मोर सिलेबल, यानी कि एक जो शब्द बना है वो अगर दो वर्ड से बना है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है यूजफुल, यूज भी एक वर्ड है, फुल भी एक वर्ड है। ओके, तो ये दो वर्ड से बना है तो उसको क्या करेंगे? वी विल ऐड मोर टू द कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट टू द सुपरलेटिव डिग्री बिफोर एन एडजेक्टिव। पॉजिटिव जैसे दो वर्ड से बना है तो हमको कंपैरेटिव डिग्री में क्या ऐड करना है? मोर ऐड करना है और सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड करना। तो ये क्या बन जाएगा? यूजफुल, मोर यूजफुल और ये मोस्ट यूजफुल बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 क्या बोलता है देखते हैं। रूल नंबर 6 कहता है बारे में हम इरेगुलर एडजेक्टिव के बारे में। आपने पढ़ा होगा इरेगुलर वर्ब होता है, वैसे इरेगुलर एडजेक्टिव भी होता है। तो क्या होता है? सब एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड इरेगुलर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इरेगुलर डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? इसमें हम वर्ड टू सिलेबल वर्ड्स एंडिंग विद ई, एंडिंग विद अ कंसोनेंट बिफोर अ वोवल, ये सब नहीं देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं गुड, गुड है, गुड के में इसमें हमको ना तो ई आर ऐड करना है, ई एस टी, मोर, यूजफुल, ये सब कुछ ऐड नहीं करना। हमको क्या करना है? गुड है उसका ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर, गुड बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। तो इसको हम बोलते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव्स। क्या होता है ये? इररेगुलर एडजेक्टिव। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बैड लेते हैं, बैड ये भी एक इररेगुलर वर्ब है, तो इसमें हम क्या करेंगे? बैड वर्स और वर्स्ट हो जाएगा, दी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। बैड, वर, वर्स्ट, ये भी क्या है? ये भी इररेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका वर्ड डिफाइंड नहीं है कि आपको किस चीज में कोई रूल नहीं फॉलो करना है, बस आपको देखना है कि ये रेगुलर है कि इररेगुलर वर्ब है। ओके, तो इसमें सिंपली आपको करना बैड, वर्स, वर्स्ट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, ये होता है इररेगुलर एडजेक्टिव। इरेगुलर एडजेक्टिव होता है, और जो हमने प्रीवियस जो पढ़ा था जिसमें रूल अप्लाई करना है हमको, वो होता है रेगुलर एडजेक्टिव। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और उसके कुछ रूल्स हैं। यू हैव टू फॉलो दीस रूल्स व्हाइल अरेंजिंग और चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।